हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि साल 2024 में पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा 18 सितंबर से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बीच कुल 16 पितृ पक्ष होंगे जो अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलेंगे, लेकिन एक पितृ पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा को होगा। जानकारी के अनुसार जिन जातकों के पितरों की मृत्यु पूर्णिमा के दिन होती है, केवल उन्हीं का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, कर्मकांड भाद्रपद की पूर्णिमा को होता है। और क्या कुछ कहते हैं हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी, सुनिए। श्राद्ध पक्ष है तो इसको कनागत भी कहते हैं गाँव की भाषा में, तो कनागत का अभिप्राय होता है कन्या आगत है कनागत है। तो कन्या के जब सूर्य होते हैं थोड़ा गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है तो कनागत को ही श्राद्ध भी कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष वैसे सभी के दिमाग में रहता है कि 15 दिन के श्राद्ध आएंगे, तो जो कि आश्विन मास में 15 दिन का इनका समय होता है, परंतु जो इनका प्रारंभ है भाद्रपद की पूर्णिमा, जो अब की बार जो प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध, भाद्रपद की पूर्णिमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इंग्लिश जो तारीख है वह 18 तारीख है, इस दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो श्राद्ध पक्ष जबकि अगले दिन प्रतिपदा का अक्षय है, इन 16 दिनों में ही संपूर्ण अमावस्या तक 16 श्राद्ध संपन्न होंगे। तो लोगों के दिमाग में बहुत सी भ्रांति होती है, 15 होते हैं या 16 होते हैं या इस तरह से भ्रम होता है, तो 16 दिन का ये समय होता है, मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक सभी तिथियां इसमें आ जाती हैं। और जितने भी हमारे प्राणी हैं, मनुष्य हैं इसमें, हमारे भाई मृत्यु लोक में, तो उन सब की तिथि इन 16 दिन में आ जाती है और इन 16 दिनों में ही श्राद्ध मनाया जाता है। उनकी तिथियों के अनुसार उनका हम पैतृक कर्म करते हैं और जो उनके निमित्त जो भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं श्रद्धा पूर्वक वह संपन्न होता है। तो जैसा कि अमावस्या आएगी जिसको बोलते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या, अर्थात उस दिन अमावस्या को सभी पितरों को विदा किया जाता है और जो जिसका उस दिन श्राद्ध भी है उसका भी श्राद्ध उस दिन मनाते हैं और उसका उनको तिलांजलि देते हैं। तो उस दिन जो भूले भटके व्यक्ति रह जाते हैं उनका भी उस दिन ये श्राद्ध करना चाहिए।